कुकिंग विद फैमिली में आपको वेलकम। आज हम बना रहे हैं कीमा। कीमा कई तरह से बनता है। ये जो कीमा है ये मैं आपको अपनी बहन की रेसिपी दे रही हूँ। मैंने उसके यहाँ खाया था, ये बहुत मज़ेदार लगता है। उसके यहाँ मैंने खाया था तो बहुत अच्छा बनाती हैं वो ये कीमा। कीमा तो और तरीके से भी बनते हैं, बहुत तरीके से कीमे बनते हैं। खड़े मसाले का बनता है, हरी मिर्च कीमा बनता है, वैसा सादा कीमा बनता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये दूसरे तरीके से है बने कीमा है। तो ये कैसे बनेगा तो आप देख लें। तो शुरू करते हैं। आधा किलो कीमा है मेरे पास, हाथ का कुटा हुआ, बीफ का, मटन का ले लें या बीफ का ले लें, सही है। तो ये मैंने निकाल धो धुला के फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये देखें, ये कीमा है, ये धुला हुआ है और ये ज़रा सा वो हो रहा है अभी, तो हम फिर भी इसमें डाल दें। उसमें हड्डी भी है, ये देखें, ये हड्डियाँ भी, हड्डी तो मैं ज़रूर डलवाती हूँ कीमे में, गोश्त में। तो इसमें मैंने दो हड्डियाँ भी डलवाई हैं। तो ये आधा किलो के करीब कीमा है, तो बहुत और आसानी से बनता है, सबसे बढ़कर के बहुत आसानी से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने ये रख दिए, इस पर पैन रख दिया चूल्हे पे, और इसमें बराए नाम ऑयल या तेल डलता है। ये मैं ऑयल ले रही हूँ, बिल्कुल बराए नाम डलता है, इसमें ज़्यादा नहीं डलता। बस ये डाला है मैंने, ये दो टेबल स्पून समझ लीजिए, ये दो टेबल स्पून होगा, सही है। ये डाला कीमा, दो ये हमने डाला इसके अंदर कीमा, कीमा डाला, ये डाला हमने इसमें पानी, पानी कितना डाला, आधा कप। ये नॉर्मल चाय वाला जो कप होता है ना, ये आधा कप डाला है पानी, सही है। और ये देखें प्याज लिए मैंने, ये देखें दो डली प्याज के लिए दरमियाने साइड, क्योंकि कितनी मोटी मोटी काटी हुई, बस ये यूँ ही डाल देंगे, ये सब घुल जाएगी। और ये देखें लहसुन, लहसुन देखें, ये दो जवे, दो पोतियाँ होती हैं ना वो, मैंने साबुत है, ये साबुत साबुत जवे है, ये यूँ ही डाल देंगे। और ये देखें, ये ले ली मैंने लौंगे, ये कितनी लिए लौंगे, ये आठ दस लौंगे ले लें, दो बड़ी इलायचियाँ, दो दालचीनी के पीस, और ये ले लें दस बारह काली मिर्चें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब और बाद में इसको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। अब इसको हम ढक के इसको पका लेंगे, बस इसको ढकना ढक के रख देंगे, ये पकता रहेगा, सही है। चलिए ये देखिए मैं खूब इसकी बुनाई कर रही हूँ, कीमे का पानी सूखा हो चुका है। और ये जो देखें लहसुन जो था, जो हमने साबुत डाला था लहसुन, ये देखें ये रहा, ये काट रह गया, ये देखें ये 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 सब आपका भूल जाएगा, प्याज का तो पता ही नहीं है। खूब अच्छे से बुनाई कर लेंगे और देखें मैंने घी कितना कम लिया था। ये बुनाई हो गई इसके खूब अच्छे से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये तीन अदर मैंने टमाटर लिए थे, ये टमाटर मैंने इसमें डाल। अब हम इसकी खूब अच्छे से टमाटर की भी बुनाई कर लेंगे। पहले ज़रा से इसको नरम होने देंगे, मोटे मोटे करके डालें हैं टमाटर, ज़्यादा वैसे नहीं डालेंगे, सही है। अभी इसको ज़रा सा ढकना बंद करते हैं ताकि टमाटर नरम हो जाए, फिर हम इसकी और अच्छे से वो कर लेंगे, नरम होकर सही हो जाएंगे, सही है। जब तक आप जाके मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखो ये टमाटर बिल्कुल हो गए। अब हम इसको बुनाई तो हमने कीमे की कर ली, ज़्यादा टमाटर होगा ना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बस ज़रा ऐसे ही रखेंगे खड़ा, सही है। ज़्यादा इसको टमाटरों को ये बस थोड़ा थोड़ा ये बस, सही है। और ये हमने डाली इसके अंदर अदरक कटी, ये मैंने पानी में डाल के रखी थी, देखा इसको मैं डाल दूँगी अदरक का, अदरक डाल दूँ। और हरी मिर्च डाल, ये हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च देखो इसमें मैंने पका चढ़ा रहा था जब कीमा, बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं डाली थी ना, तो ये जो हरी मिर्च मैंने डाली है ना, ये मैंने तीन हरी मिर्च लिए बड़े साइज की, आपके ऊपर है जितना दिल चाहे आप हरी मिर्च डाल सकते हो, यानी कम डालें ज़्यादा डालें,
आपके ऊपर है। तो मैं आपका जितना भी चाहे आप इसमें हरी मिर्च डालें, तेज़ ज़्यादा मैंने तीन ली है। सर ये हल्की हल्की मिर्चों का अच्छा लगता है। और ये देखो, और ऑयल देखें कितना आ गया इसमें, सही है। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल बस मैं दम पे करके ना इसको ज़रा सी पाँच मिनट रखेंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर दिया और कितने देखने में कितने मज़े का लग रहा है, और खाने में तो आपको पता है कितने मज़ेदार होगा। तो आप बनाइएगा और बहुत जल्द बनने वाला, चलते फिरते बना लें, ऐसा कि मैं कोई आए फटाफट चिल्ली से अपने चूल्हे पर रख दें और बन जाए। ये नहीं कि चलते फिरते बन रहा है, जल्दी बन रहा है तो ऐसा होगा, अच्छा भी होगा माशाल्लाह आप बनाएंगे तो। और आप बताइएगा मुझे बना के कि ये कैसा बना। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।